बिस्मिल्लाम रहीम वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी ऑल पॉसिबल गोल्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी विच आर देयर इन द लिटरेचर ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी और जो कभी न कभी दुनिया में प्रैक्टिस होते रहे या अब भी प्रैक्टिस हो रहे हैं दुनिया के किसी न किसी मुल्क में लेकिन हमारा कंसर्न शुरू से यही था कि प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो प्राइम गोल है उसकी इंपॉर्टेंस बाकी सारे गोल से ज्यादा है तो इस लेक्चर में हम समराइज करते हैं इस इशू को ताकि ये गोल्स का टॉपिक हम कंप्लीट कर सके तो एक बात हमें बड़ी अच्छी तरह पता है कि अगर हम कहें कि प्राइस स्टेबिलिटी लॉन्ग रन का गोल है लॉन्ग रन का ऑब्जेक्टिव है तो फिर जो बाकी सारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े हैं उनके साथ तो प्राइस स्टेबिलिटी का क्लैश ही नहीं आता कोई ट्रेड ऑफ ही नहीं है मसलन अगर हम ये देखें कि लॉन्ग रन में प्राइसेस स्टेबल रहे और इन्फ्लेशन लो रहे और स्टेबल रहे तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या होगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो बड़ा एनेबलिंग एनवायरमेंट क्रिएट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी तो इसका मतलब है प्राइस स्टेबिलिटी को एंश्योर करना और इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होना इन दोनों में कोई क्लैश ही नहीं है कोई ट्रेड ऑफ ही नहीं है तो इसका मतलब है अगर प्राइस स्टेबिलिटी एंश्योर की जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी अचीव हो जाएगी इसी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि जो लॉन्ग रन में अनएंप्लॉयमेंट होती है वो अपने नेचुरल रेट पे होती है तो इन्फ्लेशन कम हो या इन्फ्लेशन ज्यादा हो ये हमने जो डिमांड एंड सप्लाई का मॉडल था वहां ये डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हो या कम हो और फिलिप्स कर्व में स्पेशली कि लॉन्ग रन के फिलिप्स कर्व में जरा अनुप्लॉयमेंट पर डायरेक्ट फोकस है डिमांड सप्लाई में आउटपुट के थ्रू है तो इसका मतलब है लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन रेट कम हो या ज्यादा हो अनएम्प्लॉयमेंट अपने नेचुरल रेट पर रहती है इसका मतलब यह है कि फिर अगर हम लॉन्ग रन में प्राइस स्टेबिलिटी को इंश्योर करें और इन्फ्लेशन रेट को कम रखें तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ेगी जब नहीं बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ कोई ट्रेड ऑफ नहीं है उसका इसी तरीके से अगर इंटरेस्ट रेट को देखें कि अगर प्राइसेस स्टेबल रहें तो फिर सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने या कम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी तो इंटरेस्ट रेट स्टेबल हो जाएगा और जब इंटरेस्ट रेट स्टेबल होगा तो फाइनेंशियल मार्केट स्टेबल होंगी प्रॉपरली फंक्शन करेंगी फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल होगा तो इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी हो अनएम्प्लॉयमेंट या हाई एम्प्लॉयमेंट या लो अनएम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव हो इकोनॉमिक ग्रोथ का हो या आउटपुट स्टेबिलाईजेशन का हो लॉन्ग रन में प्राइस स्टेबिलिटी का किसी के साथ कोई ट्रेड ऑफ नहीं है जब ट्रेड ऑफ नहीं है तो इसका मतलब है कि लॉन्ग रन में प्राइस स्टेबिलिटी ही प्राइम गोल हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी का लेकिन एक इशू यह है कि शॉर्ट रन के अंदर ट्रेड ऑफ होते हैं एग्जाम्पल के लिए हम यह लेते हैं कि कोई पॉजिटिव डिमांड है जैसे रेमिटेंसिस बाहर से आना ज्यादा शुरू हो गई पॉजिटिव डिमांड शॉक कहलाएगा यानी कि इकॉनॉमी में डिमांड ज्यादा क्रिएट होगी उसकी वजह से और उसकी वजह से जो है वो अनएंप्लायमेंट कम होना शुरू हो जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी लेकिन इन दोनों का नतीजा क्या होगा इकॉनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाए अब जब इन्फ्लेशन आएगा तो सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा अब जो ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो उधर से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब यह है कि कहां पे प्रॉब्लम आएगा इंटरेस्ट रेट खुद स्टेबल नहीं रहेगा अब जब इंटरेस्ट रेट स्टेबल नहीं रहा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का नतीजा क्या होगा बढ़ने का नतीजा यह होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी कॉस्ट ऑफ बारोइंग की वजह से फर्म्स की तो फर्म्स बारोइंग कम कर देंगी इन्वेस्टमेंट कम कर देंगी जब ये दोनों काम होंगे तो आउटपुट कम हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगी अब ये ट्रेड ऑफ है कि सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे तो इंटरेस्ट रेट भी स्टेबल नहीं रहा अनएम्प्लॉयमेंट भी स्टेबल नहीं रही आउटपुट भी स्टेबल नहीं रहेगी उनमें फ्लक्चुएशन आएंगी और अगर एक चीज को कंट्रोल करे तो दूसरी हाथ से निकल जाती है इसको हम कहते ट्रेड हैं ट्रेड ऑफ्स हैं शॉर्ट रन के अंदर अब सवाल यह है कि लॉन्ग रन में ट्रेड ऑफ्स नहीं है लॉन्ग रन में हम क्लियर हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी ही लॉन्ग रन प्राइम गोल होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी का लेकिन शॉर्ट रन के जो ट्रेड ऑफ्स हैं इसका सोल्यूशन क्या किया जाए इसके सोल्यूशन के लिए दुनिया में मुख्तलिफ मुख्तलिप्रोचेज होती हैं कि जब ये क्लियर हो गया कि विदाउट डाउट जो है वो लॉन्ग रन में प्राइस स्टेबिलिटी के बेनिफिट्स हैं तो फिर प्राइस स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के अंदर दो डिफरेंट अप्रोचेज हैं जो सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करते हैं दुनिया के अंदर एक कहलाता है हायरार्किकल अप्रोच और एक होता है ड्यूअल मैंडेट या ड्यूअल अप्रोच अब ये जो हायरार्किकल अप्रोच है इसका मतलब ये होता है कि आप प्राइम कंसर्न प्राइस स्टेबिलिटी को रख लें और अगर प्राइस स्टेबिलिटी एंश्योर्ड हो और उसमें कोई कंप्रोमाइज ना आए और सेंट्रल बैंक के पास रूम मौजूद हो तो फिर वो बाकी ऑब्जेक्टिव्स को भी देख ले हायरार्की बना लेना नंबर वन प्राइस को रख लें और अगर प्राइस स्टेबिलिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहा अन कम करने से का इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखने का या एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने से प्राइस स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही तो हायरार्की में सबसे ऊपर प्राइस स्टेबिलिटी रख लें और उसके बाद अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो फिर बाकी ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना शुरू करें पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक्ट जो रिसेंटली अमेंड हुआ मेन उसका 2021 है लेकिन फाइनली 2022 के जनवरी में जो अप्रूव हुआ तो उसके अंदर अब पाकिस्तान में भी हायरार्किकल अप्रोच है यानी कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक्ट है 1956 का अमेंडेड 2022, उसका जो सेक्शन 4 बी है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता है वहां क्लियरली सबसे पहले प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है टू मेंटेन डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी और फिर बाकी ऑब्जेक्टिव्स दो तीन नीचे आते हैं तो ये हायरार्किकल अप्रोच है इसी तरीके से यूरोपियन सेंट्रल बैंक की भी आप मिसाल ले सकते हैं कि वहां भी यही हायर आर्कल अप्रोच है उनका भी अगर सबसे पहले देखें तो वो आता है कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है यूरोपियन सेंट्रल बैंक का या यूरोपियन सिस्टम ऑफ सेंट्रल बैंक का वो है टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी और उसके बाद कि अगर प्राइस स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो तो फिर उसके बाकी ऑब्जेक्टिव आते हैं जबकि दूसरी साइड पर एक ड्यूएल अप्रोच होती है यानी कि आप पैरल ही प्राइस स्टेबिलिटी को भी देख रहे हैं आउटपुट ग्रोथ को भी देख रहे हैं या इकोनॉमिक ग्रोथ को भी देख रहे हैं या पैरल डिफरेंट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि आप कहते हैं ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है और पाकिस्तान में 2022 से पहले यही जो हमारी अप्रोच थी वो ऐसी ही ड्यूअल अप्रोच थी जिसके अंदर कोई क्लियर हायरा नहीं होती अब ये केस आज भी यूएस के सेंट्रल बैंक फेड का है वो आज भी मौजूद है वहां पे आज भी जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी फर्स्ट या प्राइम टारगेट नहीं है बल्कि वहां पे जो टारगेट अगर देखा जाए तो उसकी अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम एंड द फेडरल ओपन मार्केट कमेटी शेल मेंटेन लॉन्ग रन ग्रोथ ऑफ द मॉनिट्री एंड क्रेडिट एग्रीगेट्स के विद द इकोनॉमीज लॉन्ग रन पोटेंशियल टू इंक्रीज प्रोडक्शन सो एज टू प्रोमोट इफेक्टिवली द गोल्स ऑफ मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट स्टेबल प्राइसेज एंड मॉडरेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट तो ये तीन ऑब्जेक्टिव आ गए कोई हायरार्की नहीं है कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, फिर ये होगा नहीं बल्कि तीन गोल्स बड़े क्लियरली पैरल लिखे हुए हैं और वो क्या है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट स्टेबल प्राइसेस और मॉडरेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट अब अगर जो है वो आपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में प्राइस स्टेबिलिटी को प्राइम फोकस देना है तो उसके लिए हायरार्कल अप्रोच एडॉप्ट करनी होगी कि शॉर्ट टर्म में ट्रेड ऑफ्स को देखते हो आप बाकियों पे फोकस भले कर लें लेकिन लॉन्ग रन में अल्टीमेटली आपको प्राइस स्टेबिलिटी ही एंश्योर करनी है जबकि ड्यूअल मैंडेट अगर आपका है तो फिर उसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स को आप पैरेलल देख रहे होते हैं उसमें फिर जरूरी नहीं है कि प्राइस स्टेबिलिटी हंड्रेड परसेंट हो थैंक यू